अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर रहमान और आप देख रहे हो ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। आज अपन अभ्यासणार आहोत उभयान्वयी अव्यय व त्याचे प्रकार। उभयान्वयी अव्ययाचे मुख्य दोन प्रकार पडतात, प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय व गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय। प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्ययाचे चार प्रकार आणि गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्ययाचे एकूण चार प्रकार, तर असे एकूण आठ प्रकार आज आपण अभ्यासणार आहोत। आता उभयान्वयी अव्यय म्हणजे काय, त्याची व्याख्या काय असते हे आपण पाहूया। तर दोन शब्द किंवा दोन वाक्य यांना जोडणाऱ्या अविकारी शब्दाला उभयान्वयी अव्यय असे म्हणतात, हे उभयान्वयी अव्ययाची व्याख्या झाली। दोन शब्द किंवा दोन वाक्य ज्या अविकारी शब्दांनी जोडले जातात, एकमेकांना जोडले जातात, त्यांना आपण काय म्हणतो, त्याला आपण काय म्हणतो, उभयान्वयी अव्यय असे म्हणतो। उदाहरणार्थ, आईने बाजारातून बटाटे व कांदे आणले। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बटाटे और कांदे दो डिफरेंट डिफरेंट अल्फाज है, वो उभयान्वयी अव्यय से जोड़े जा रहे हैं। हम देखकर आगे मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से ये होते हैं। सीधी सीधी बात है कि दो शब्द या दो जुमले, इनको जब एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, तब हम उसको कहते हैं उभयान्वयी अव्यय कहते हैं। हमने अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है महाटेट, सीटेट और टाइट एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए, मीन्स जो भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम होती है उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। उसके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लिंक में से उन्हीं लोगों ने ज्वाइन होना है कि जो सीटेट, टेट या टाइट इस तरीके की टीचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारी टेलीग्राम की जो लिंक है, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट व्याकरण के ताल्लुक से पुलिस भर्ती, तलाटी भर्ती या सीटेट, टाइट, टेट एग्जाम या जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एमपीएससी, यूपीएससी या महाराष्ट्र बोर्ड की या महाराष्ट्र राज्य की जितनी भी एग्जाम होती है, वो तमाम की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के लिंक में से मिल जाएंगी। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखी। साथ ही साथ हमारे जो पुराने वीडियोज है, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, अव्यय, शब्द युग, अव्यय, वो तमाम की लिंक जो है आपको चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर जो लोग आज पहली बार आए या जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को लाइक या वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। तो हम देखते हैं उभयान्वयी अव्यय। उभयान्वयी अव्यय की व्याख्या अपन अभ्यासूया। उभयान्वयी अव्यय देखिए उसकी व्याख्या है। उभयान्वयी अव्यय की व्याख्या बच्चे इसको नोट कर लेंगे हमेशा की तरह की उभयान्वयी अव्यय की व्याख्या काय आहे। देखिए व्याख्या, दोन वाक्य किंवा दोन शब्द, मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, दोन वाक्य, वाक्य किसको कहते हैं, हम जुमले को कहते हैं, किंवा दोन शब्द या दो अल्फाज, दो वाक्य या दो अल्फाज जोडणाऱ्या अविकारी शब्दांना, अविकारी तो आपको पता है हम शुरू से देख रहे, जोडणाऱ्या अविकारी शब्दांना उभयान्वयी अव्यय असे म्हणतात। मतलब जो दो शब्द को या दो जुमले को जोड़ते हैं उसको हम उभयान्वयी अव्यय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखने के बाद में आप चीजें ठीक ठीक समझ लेंगे या क्लियर क्लियर आप समझ लोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं। देखो इस तरीके से शब्द आते हैं, अन किंवा, अब किंवा है तुम्हारा चाह किंवा कॉफी पाहिजे, इस तरीके से पूछते, म्हणून, आणि, वो, वा इत्यादि। देखिए इस तरीके से जब जुमले आते, जो दो शब्द या दो अल्फाजों को जोड़ते हैं एक दूसरे, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उभयान्वयी अव्यय कहते हैं। ये उसके प्रकार है, ये उभयान्वयी अव्यय के प्रकार है। पहला प्रकार होता है समुच्च बोधक, ये प्रधान सूचक का पहला प्रकार होता है। प्रधान सूचक के चार प्रकार है और गौणत्व सूचक के चार प्रकार है। देखिए सामने पहला प्रकार होता है प्रधान सूचक का समुच्च बोधक उभयान्वयी अव्यय, विकल्प बोधक, न्यूनत्व बोधक, परिणाम बोधक, ये चार प्रकार होते हैं प्रधान सूचक के। प्रधान का मतलब होता है जो मुख्य होता है, जिसका मेन किरदार होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसको हम प्रधान सूचक कहते हैं। गौणत्व सूचक कहते हैं उसको कहते हैं जो दुय्यम होता है, जिसका स्थान गौण होता है, जिसका स्थान दुय्यम होता है, जो दूसरे नंबर पर काउंट किया जाता है, उसको हम गौणत्व सूचक कहते हैं। इसका प्रकार होता है स्वरूप बोधक, करण बोधक व उद्देश्य बोधक। इस तरीके से इसके आठ प्रकार आज हमने देखने हैं। तो हम इसका पहले प्रकार की तरफ आते हैं। देखिए पहला प्रकार है इसका उभयान्वयी अव्यय का, ये पहला प्रकार है समुच्च बोधक उभयान्वयी अव्यय। अब समुच्च बोधक का अर्थ क्या होता है, समुच्च बोधक का मीनिंग्स क्या होता है, ये हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब होता है
किसी चीज में भर डालना, किसी चीज में जोर डालना। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पहले जुमले में बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि आपको तो पता है यहाँ तो एक तो शब्द जुड़ रहे या जुमले जुड़ रहे, एक दूसरे से जब जोड़ा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उभय एनवी अव्यय। तो समुच्च बोधक यानी समुच्च का मीनिंग होता है कि किसी एक चीज में ज्यादा भर डाल देना, किसी एक चीज में ज्यादा जोर लगा देना, उसको हम समुच्च बोधक उभय एनवी अव्यय कहते हैं। व्याख्या है, पहले विधानत कि वो वाक्यात आणखी भर घालण्याचे वो दोन स्वतंत्र वाक्य जोडण्याचे कार्य ज्या उभयान्वी अव्यय करतात त्यांना समुच्च बोधक उभयान्वी अव्यय असे म्हणतात। ही उसकी पूरी व्याख्या, लेकिन हमने क्या करना है ऊपर की एक या डेढ़ लाइन को देखना है। ऊपर की एक या डेढ़ लाइन में क्या है, पहले विधानत कि वो वाक्यात आणखी भर घालण्याचे वो दोन स्वतंत्र वाक्य जोडण्याचे कार्य, मतलब पहले जुमले में ज्यादा जोर डाल दिया जाता है, ज्यादा भर दिया जाता है कि इसके वजह से यह हुआ, यहां पर जब बताया जा रहा है तो उसको हम इस तरीके से कहते हैं समुच्च बोधक उभयान्वी अव्यय। देखिए उदाहरण, देखिए आसानी से आप इसको समझ लेंगे। देखिए उदाहरण, समुच्च बोधक उभयान्वी अव्यय का यह उदाहरण है। उदाहरण में क्या दिया है, देखिए सिंहाने गर्जना केली आणि सशाने धूम ठोकली। सिंहाने गर्जना केली ये एक स्वतंत्र जुमला है, और दूसरा जुमला है सशाने धूम ठोकली। ये दोनों जो है आणि इस उभयान्वी अव्यय से जोड़े है, मतलब इनको जोड़ने का काम किसने किया है, आणि ने। हम इसको क्या कहेंगे, आणि यहां पर उभयान्वी अव्यय हो जाता है। सिंहाने गर्जना केली, गर्जना केली मतलब धूमधाम किसने की, गर्जना किसने की, वो सिंह ने की मतलब शेर ने की, और सशाने धूम ठोकली फायदा किसने उठा लिया, ससे ने उठा लिया। इस तरीके से दूसरा देखिए, तो शाळेत गेला वो खेळू लागला, तो शाळेत गेला यहां पर भर कहां पर डाला जा रहा है, पहले जुमले में, पहले जुमले में ज्यादा जोर दिया जा रहा है, वो खेलता ही नहीं, अगर वो स्कूल नहीं जाता तो वो खेलता ही नहीं, तो शाळेत गेला वो खेळू लागला। तो इस तरीके से जब पहले जुमले में ज्यादा फोकस किया जाता है, पहले जुमले में जब ज्यादा भर डाला जाता है, ज्यादा जोर डाला जाता है, तो उसको हम कहते हैं समुच्च बोधक उभयान्वी अव्यय, क्योंकि सिंहाने गर्जना केली आणि ससेने धूम ठोकली। अगर सिंह मतलब शेर ये नहीं करता तो ससा ये नहीं करता, तो शाळेत गेला वो खेळू लागला, वो स्कूल में गया और खेलने लगा, मतलब वो और आणि, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उभयान्वी अव्यय। तो उभयान्वी अव्यय समझ रहे हैं क्या आता है, उभयान्वी अव्यय दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ता है, हमारा हो गया पहला प्रकार समुच्च बोधक उभयान्वी अव्यय। बहुत आसान आसान से और बहुत इजी से इसके प्रकार है। देखिए विकल्प बोधक उभयान्वी अव्यय, ये सबसे आसान मेरे हिसाब से इसका एक प्रकार होता है कि विकल्प क्या होता है, विकल्प का मीनिंग्स होता है ऑप्शन। विकल्प का मीनिंग्स क्या होता है, ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या होता है, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, ऐसा ऑप्शन होता है ना, चाह नहीं तो कॉफी, है ना, इस तरीके से जो भी देखते हैं। व्याख्या देखिए, वाक्यात दिलेल्या दोन बाबींपैकी एकाच बाबीला जे उभयान्वी अव्यय पसंती दर्शविते त्याला विकल्प बोधक उभयान्वी अव्यय असे म्हणतात। मतलब जुमले में क्या होता है कि दो चीजें दी जाती है, लेकिन एक चीज को हमको चूज करना होता है, एक चीज को हमको क्या करना होता है, एक चीज को हमको सिलेक्ट करना होता है, उसको कहते हैं हम विकल्प बोधक उभयान्वी अव्यय, उसको कहते हैं हम। इसका पहला देखिए, पहला एग्जाम्पल विकल्प बोधक, देखिए पहला उदाहरण है तुला पेन हवा की पेंसिल, यहां पर क्या ऑप्शन है, आपको पेन चाहिए या पेंसिल की, ये जो है उभयान्वी अव्यय, मतलब विकल्प है, एक तो पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए, मतलब आपके पास क्या है ऑप्शन है, आपको क्या चाहिए दोनों में से एक चीज, क्या हमको क्या करना होता है, चूज करनी होती है, एक चीज हमको सिलेक्ट करनी होती है, तुला पेन हवा की पेंसिल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, त्याला पेरू, पेरू किसको कहते, जाम को कहते, अथवा अंबा खाण्यास आवडतो, उसको क्या पसंद है, एक तो पेरू खाना पसंद है अथवा अंबा या उसको आम खाना पसंद है। आपका क्वेश्चन पेपर आता है, आपको बताया जाता है मराठी हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो उसमें क्या लिखा जाता है, आपने दसवीं में देखे, आपने बारहवीं में देखे कि माझा आवडता ऋतु किंवा मी पाहिलेले सर्कस, दोनों में से एक निबंध आपको लिखना है, तो ये हो जाता है ऑप्शन, ये हो जाता है विकल्प, मतलब आपको दोनों में से कोई एक चीज को सिलेक्ट करना होता है। जिंकू किंवा मरू, यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंकू किंवा मरू, देखिए किंवा ये उभयान्वी अव्यय है, यानी जीतना है या मर जाना, इस तरीके से यहाँ पर चीजें बताई जा रही है। तो चीजें जहां पर इस तरीके से बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विकल्प बोधक उभयान्वी अव्यय। इसके हम देखिए, ये इस तरीके से उभयान्वी अव्यय इसमें आते हैं की, किंवा, अथवा, वा, अगर इत्यादि ये जुमलों को या शब्दों को जोड़ने का कार्य या काम करते हैं। तीसरा प्रकार हम देखते हैं, तीसरा प्रकार है न्यूनत्व बोधक उभयान्वी अव्यय, न्यूनत्व बोधक उभयान्वी अव्यय इसका तीसरा प्रकार है। अब न्यूनत्व बोधक का मतलब हमको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले इसका मतलब होता है कमीपना, मराठी में हम इसको कहते हैं ना कमीपना, खामिया, उर्दू में हम क्या कहेंगे इसको, हिंदी और उर्दू में क्या कहेंगे इसको, हम खामियां कहेंगे, जो कमीपना रहता है ना, जो मतलब चीजें जो है ना मुकम्मल नहीं होती, जिसमें कुछ कमतरता रह जाती है, उसको हम न्यूनत्व बोधक उभयान्वी अव्यय कहते हैं। व्याख्या देखिए, जे उभयान्वी अव्यय, पहले वाक्य थे उनिवा, उनिवा मीन्स कमतरता, उनिवा याद रखिए, उनिवा का मीनिंग्स क्या होता है, खामिया या कमतरता। जे उभयान्वी अव्यय, पहले वाक्य थे उनिवा
दर्शवणारे वाक्य जोडते त्याला न्यूनत्व बोधक उभयान्वी अव्यय असे म्हणतात। मतलब पहला जो वाक्य होता है, पहला जो जुमला होता है, जुमले तो दो ही आएंगे, आपको पता है, तो दो शब्द आएंगे, तभी उभयान्वी अव्यय बनता है। नाम सर्वनाम सबसे डिफरेंट है ये। यहाँ पर क्या होता है, या तो दो जुमलों को जोड़ा जाता है या यहाँ पर क्या होता है, दो शब्दों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि पहले जुमले में खामी क्या है, पहले जुमले में कमतरता क्या है, पहले जुमले में न्यूनत्व बोधक क्या है, वो जब दूसरे जुमले से बताया जाता है, दूसरे शब्द से बताया जाता है, तब उसको न्यूनत्व बोधक उभयान्वी अव्यय हम कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, तो हुशार है पन आड़शी है। देखिए यहां पर क्या बता रहा है, उसकी उसके बारे में बता रहा है, तो हुशार है पन आड़शी है, उसकी खामी क्या है, उसके अंदर न्यूनत्व बोधक क्या है, उसके अंदर कमतरता क्या है, वो आड़शी है, वो हुशार तो है, वो काबिल है बिल्कुल, लेकिन वो कैसा है, वो आड़शी है। रोपे गोली किंतु पौसा भावी कोमजली। देखिए रोपे में जो किसान लगे वगैरह जो लोग होते हैं ना, जो खेतों में या जो पौधे वगैरह लगाते हैं, तो हम लगाते थे, लेकिन बारिश नहीं होती तो क्या होता है कि वो खराब हो जाते हैं। रोपे गोली किंतु पौसा भावी कोमजली। तो इस तरीके से जो है ना, कमतरता क्या है, इसमें कमीपना क्या है, पौसा भावी कोमजली आड़शिया है। तो इस तरीके से तो हुशार आए पन आड़शिया है, वो हुशार है, वो काबिल है, वो तारीफ लायक है, लेकिन कैसा है, आड़शी है। तो उसकी खामी है, उसकी कमी यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो उसको हम जो तो बोधक उभयान्वी अव्यय कहते हैं। पन परंतु किंतु परी इत्यादि ये शब्द जब इससे ऐसे इसमें आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूनत्व बोधक उभयान्वी अव्यय। देखिए पन आ गया किंतु आ गया, तो इस तरीके से जब आते हैं शब्द तो उसको हम न्यूनत्व बोधक उभयान्वी अव्यय कहते हैं। ये हमारा आखिरी प्रकार है प्रधानत्व सूचक का। हमने आठ ही प्रकार देखने, आठ ही प्रकार इसके होते हैं। तो प्रधानत्व सूचक के चार होते हैं और गौणत्व सूचक के चार होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपने चीजें पहुंचानी। हम काफी दिनों से लगातार इसके अंदर मेहनत कर रहे हैं और लगातार हम अपनी वीडियोज भी अपलोड कर रहे हैं, और हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जो लोग अगर चाहते हैं, खास करके टेट सीटेट और महा जो भी टाइट वाले बच्चे जो है ना, तो वो व्हाट्सएप की लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम के अंदर भी जो आपने दिलचस्पी दिखानी, वहां से अगर आपको चीजें बेहतर लगती है तो ज्वाइन कीजिए। उसके बाद लेफ्ट हो जाना नहीं होना है, वो आप पर डिपेंड करता है, जबरदस्ती नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है ना। परिणाम बोधक उभयान्वी अव्ययो। देखिए परिणाम, परिणाम क्या होता है, परिणाम का मीनिंग होता है नतीजे, जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट को क्या कहते हैं, नतीजे। मतलब परिणाम, एक जुमले का परिणाम किसी दूसरे जुमले में दिखता है, किसी एक शब्द का परिणाम किसी दूसरे शब्द में दिखता है, उसको कहते हैं परिणाम बोधक उभयान्वी अव्यय। व्याख्या देखिए, पहले वाक्यातील एखाद्या गोष्टीचा परिणाम हा पुढील वाक्य दर्शवण्यासाठी जे उभयान्वी अव्यय वापरतात त्यांना परिणाम बोधक उभयान्वी अव्यय असे म्हणतात। मतलब पहले जुमले का परिणाम दूसरे जुमले में दिखता है, पहले जुमले का परिणाम क्या होता है, वो दूसरे जुमले में दिखता है, उसको हम कहते हैं परिणाम बोधक। इसके नाम से ही आप इसको जान लेंगे कि परिणाम बोधक उभयान्वी अव्यय क्या होता है। देखिए, ती नेहमी खरे बोलते या करिता तिची प्रशंसा होते। देखिए कितना आसान है, ती नेहमी खरे बोलते, परिणाम क्या है, उसकी तारीफ होती है। देखिए दूसरे जुमले में क्या होता है, तिची प्रशंसा होते, प्रशंसा क्यों होती है, तारीफ क्यों होती है, ती नेहमी खरी बोलते, वो क्या करती है, वो हमेशा सच बोलती है, इसलिए उसकी तारीफ होती है। मतलब परिणाम क्या है, उसका परिणाम सच बोलना है, इसलिए उसकी तारीफ हो रही है। पहले जुमले का परिणाम दूसरे जुमले से मिल रहा है। सोरा नेहमी अभ्यास करते, सोरा क्या करती है, नेहमी अभ्यास करते, म्हणून शिक्षक तिला शाबासकी देता था। अब हम टीचर हम किस बच्चे को वेरी गुड, गुड, उत्तम, उत्कृष्ट, ये चीजें किसको बोलते हैं, जो बच्चा पढ़ाई करता है, जो बच्चा मेहनत करता है। तो पहले जुमले का परिणाम जब आपको दूसरे जुमले में देखने के लिए मिलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे परिणाम बोधक उभयान्वी अव्यय। ये चार प्रकार हो गए प्रधानत्व सूचक जो मुख्य होते हैं उसके। अब गौण के हम चार प्रकार देखेंगे, वो भी छोटे छोटे से, हम उसको जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये परिणाम बोधक में इस तरीके से आते, मनुन यास्तव या करिता सबब इत्यादि, मतलब इनसे जुमले ये शब्द जुड़ते हैं एक दूसरे से। आगे देखिए, अभी ये गौणत्व सूचक उभयान्वी अव्यय का इस पहला प्रकार है। बच्चे इसको एक नंबर डालकर और गौणत्व सूचक डालकर लिख लेंगे। गौणत्व सूचक उभयान्वी अव्यय का ये पहला प्रकार है। गौण मतलब जिसका स्थान द्वयम होता है उसको हम गौण कहते हैं, इतना तो आपको पता है, मैंने शुरुआत में बताया था। तो ये इसका पहला प्रकार है स्वरूप बोधक उभयान्वी अव्यय। यहाँ पर भी क्या आता है कि पहले जुमले का स्वरूप, पहले वाक्यातले स्वरूप दूसरा वाक्य दर्शविले जातात त्याला स्वरूप बोधक उभयान्वी अव्यय असे म्हणतात। म्हणजेच ज्या उभयान्वी अव्ययामुळे एका वाक्याचे स्वरूप दुसऱ्या वाक्यात कळते त्या उभयान्वी अव्ययास अव्ययांना स्वरूप बोधक उभयान्वी अव्यय असे म्हणतात। मतलब पहले जुमले का स्वरूप हमको कहां से मालूम होता है, जुमला एक ही होता है, लेकिन पहले जुमले का स्वरूप दूसरे जुमले से मालूम होता है, उसमें हमको क्या कहते हैं, उसको हम स्वरूप बोधक उभयान्वी अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, देखिए इसका पहला एग्जाम्पल है, शिक्षक मनाले कि गणेश हुशार आए। शिक्षक मनाले
कि गणेश हुशार आए। देखिए पहले जुमले का स्वरूप क्या, शिक्षक ने कहा क्या कहा कि गणेश हुशार है, मतलब पहले जुमले का स्वरूप दूसरे जुमले से मालूम पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं स्वरूप बोधक उभयन्वी अव्यय। शिक्षक मनाली कि गणेश हुशार है, कि यहाँ पर क्या है उभयन्वी अव्यय है। पृथ्वी स्वतः होती फिरते, पृथ्वी स्वतः होती फिरते मतलब क्या करती है, पृथ्वी जो है ना वो अपने आप ही अपने इर्द गिर्द घूमती है, मंजे परिभ्रमण करती है, मतलब वो क्या करती है परिभ्रमण करती है, परिभ्रमण करती है मतलब परिभ्रमण उसको कहते हैं, जो अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाता है उसको परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी स्वतः होती फिरते मंजे परिभ्रमण करते, यहाँ पर क्या बता रहा है कि पहले जुमले का स्वरूप दूसरे जुमले में बता रहा है। शिक्षक मना लेगी गणेश हुशार आए, पृथ्वी स्वतः होती फिरते मंजे यहाँ पर क्या है उभयन्वी अव्यय, मतलब पहले जुमले का स्वरूप किसी दूसरे जुमले में बताया जाता है तो उसको कहते हैं स्वरूप बोधक उभयन्वी अव्यय, की मंजे मनुंजे इत्यादि इसके एग्जांपल है। इस तरीके से चीजें जब आती है तो वो होता है स्वरूप बोधक उभयन्वी अव्यय। ये हो गया हमारा गौणत्व सूचक उभयन्वी अव्यय का पहला प्रकार। अब इसके बाद हम इसका दूसरा प्रकार देखेंगे। देखिए दूसरा प्रकार क्या होता है, उद्देश्य बोधक उभयन्वी अव्यय। अब हमारा वीडियो देखने का कुछ उद्देश्य होता है, कुछ मकसद होता है, क्या होता है कि सीखना होता है, हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमने कुछ सीख लेना है, इस तरीके से हमारा मकसद होता है। तो उद्देश्य बोधक का मीनिंग्स होता है, उद्देश्य का मीनिंग्स होता है हेतु मकसद। उभयन्वी अव्यय व्याख्या देखिए, ज्या उभयन्वी अव्ययमुळे प्रधान वाक्याचा उद्देश हा गौण वाक्यात कळतो, मतलब पहला प्रधान वाक्य आपको पता है, प्रधान वाक्य मीन्स मुख्य और गौण मतलब दुय्यम, हे गौण वाक्यात कळतो त्या उभयन्वी अव्ययांना उद्देश्य बोधक उभयन्वी अव्यय असे म्हणतात। मतलब प्रधान वाक्य का जो उद्देश्य क्या है वो गौण वाक्य से पता चलता है। उदाहरण देखने के बाद आपको एक उदाहरण में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, मतलब जो प्रधान जुमला होता है वो गौण जुमले से जिसकी जिसका उद्देश्य पता चलता है। देखिए एग्जांपल, चांगले कपड़े मिलावे, प्रधान वाक्य क्या है, अब यहां पर दोनों आगे प्रधान और गौण है ना, तो प्रधान वाक्य क्या है, चांगले कपड़े मिलावेत म्हणून तो कपड्यांच्या मोठ्या दुकानात गेला, ते कपड्याच्या मोठ्या दुकानात का बरं गेला, कारण त्याला चांगले कपड़े हवे होते, मतलब उसको अच्छे कपड़े चाहिए थे। उसका उद्देश्य क्या था, उसका मकसद क्या था कि मैंने अच्छे कपड़े खरीदने, हमारा मकसद क्या होता है कि हमने अच्छे कपड़े खरीदने तो हमने कहा जाना है, हमने बेहतर दुकान में जाना है। तो यहाँ पर उद्देश्य था देखिए, उत्तम शिक्षण मिलावे, मतलब बेहतरीन तालीम हासिल होनी चाहिए, बेहतरीन एजुकेशन मिलना चाहिए। या वास्तव तो औरंगाबादला गेला, तो औरंगाबादला कशासाठी गेला, उत्तम शिक्षण मिलावे म्हणून ते कुठे गेला, औरंगाबादला गेला। औरंगाबाद को जाने का रीजन क्या था, उद्देश्य क्या था, मतलब उत्तम शिक्षण मिलावे, मतलब अच्छी तालीम बेहतरीन तालीम हासिल करना है, ये उसका उद्देश्य था, इसलिए वो औरंगाबाद गया। जब ऐसे जुमले आते हैं और उसको इस तरीके से जोड़ा जाता है, मनुन की कारण सबब यास्तो इत्यादि, तो उसको हम कहते हैं उद्देश्य बोधक उभयन्वी अव्यय। मतलब औरंगाबाद को जाने का उद्देश्य ये था कि बेहतरीन एजुकेशन हासिल करना था। अच्छे कपड़ों की दुकान में जाने का उद्देश्य क्या था कि बेहतर कपड़े उसने लेने थे। इस तरीके से इसको हम कहते हैं उद्देश्य बोधक उभयन्वी अव्यय। सबसे डिफरेंट और उतना बहुत ज्यादा आसान भी है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट है शब्दों योगी और उभयन्वी। अभी नाम सर्वनाम या केवल प्रयोगी ये तो आते नहीं, क्रिया विशेषण आता है ज्यादा, या फिर शब्द योगी और उभयन्वी ये दोनों पक्के है। आप समझ लो क्या 2017-18 से ना ये चलन में, तो मतलब इन्हीं के सारे क्वेश्चन अब आ रहे हैं, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल और बढ़ते जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन खत्म होते जा रहे हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि बस हमने मुश्किल क्वेश्चन कहाँ से डालने, मुश्किल क्वेश्चन ये होते हैं शब्द योगी और उभयन्वी। तो इसको देख लो, और देख लेने के बाद 808 प्रकार होते हैं, प्रधान के चार और गौणत्व के चार, तो कोई मुश्किल चीजें इसमें आपको नहीं लगेंगी। कारण बोधक उभयन्वी अव्यय, क्यों वह कारण बोधक उभयन्वी अव्यय, कारण क्या होता है, कारण होता है रीजन, कारण का मीनिंग क्या होता है रीजन, यानी कोई रीजन होता है उसको हम कारण कहते हैं। तो कारण बोधक उभयन्वी अव्यय क्या होता है, हम इसकी व्याख्या पहले पढ़ लेते हैं। ज्या उभयन्वी अव्ययामुळे एका वाक्याचे कारण दुसऱ्या वाक्यात कळते, मतलब एक जुमले का कारण, एक जुमले का रीजन आपको दूसरे जुमले में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जुमले जुड़ रहे तो चीजें ऐसे होंगी, इसलिए प्रकार बदलते जाएंगे। आपको पता है कि जुमले जुड़ेंगे, शब्द जुड़ेंगे, उसको हम उभयन्वी अव्यय कहते हैं, खत्म बात। इतनी बात आपने याद रख लेनी है। ज्या उभयन्वी अव्ययामुळे, ज्या उभयन्वी अव्ययामुळे एका वाक्याचे कारण दुसऱ्या वाक्यात कळते, त्या उभयन्वी अव्ययांना कारण बोधक उभयन्वी अव्यय असे म्हणतात। मतलब पहले जुमले का कारण आपको दूसरे जुमले में देखने के लिए मिलेगा, उसको हम कहते हैं कारण बोधक उभयन्वी अव्यय। देखिए त्याच्या वाद विवाद स्पर्धेत प्रथम क्रमांक आला, पहला जुमला है, त्याच्या वाद विवाद स्पर्धेत प्रथम क्रमांक आला कारण, और कारण में कारण ही आता है, ये जो कारण है ना ये कारण ही आता है, मैक्सिमम टाइम ये कारण आता है, इसमें कुछ आते हैं 2-3 और इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ अगर कारण आ गया तो कारण समझ लेना आपने ना। त्याने त्याची बाजू प्रभावी मान ली। देखिए वाद विवाद जो होता है ना, डेबिट कॉम्पिटिशन होता है, उसका पहला नंबर आया किस वजह से आया,
त्याने त्याची बाजू प्रभावी मान ली, उसने उसका पक्ष जो है ना वो दमदार तरीके से रखा। इस वजह से क्या होता है कि उसका पहला नंबर आया वाद विवाद कंपटीशन में। वाद विवाद मीन्स डेबिट जो होती है ना न्यूज चैनलों में देखते हम। तिने द्राक्ष, अंगूर को कहते हैं, तिने द्राक्ष खाले नहीं कारण ते और अंबट होता है। देखिए यहाँ भी कारण आ रहा है, यहाँ भी कारण आ रहा है, यहाँ भी कारण आ रहा है। तो मतलब क्या होता है कि कारण जहां पर दिखाया जा रहा है, अंगूर उसने क्यों नहीं खाई, त्याने तीन हाँ अंगूर तीने अंगूर उसने क्यों नहीं खाई, क्योंकि खट्टे थे ते अंबट होते, तीने द्राक्ष खाले नहीं कारण थे अंबट होते। तो यहाँ पर कारण बताया अंगूर खाने का, अंगूर ना खाने का रीजन क्या था कि वो खट्टे थे। इस तरीके से यहाँ पर पहला नंबर आने का कारण क्या था कि उसने जो अपना पक्ष था ना, अपनी जो बाजू थी वो बेहतर तरीके से रखा, इसलिए उसका वो पहला नंबर आने का रीजन था। चलो देखते आगे इसके। देखिए कारण का की, ये तीन शब्द आते हैं कारण का की, तो इसको हम कहते हैं कारण बोधक उभयान्वी अव्यय। हमें इसका अगला प्रकार देखते हैं हम, संकेत बोधक उभयान्वी अव्यय आखिरी प्रकार है। हाँ डोहे आखिरी प्रकार है संकेत बोधक। संकेत का मीनिंग्स होता है ना, जैसा कोई सिंबल से कोई संकेत, संकेत तो आपको पता है संकेत क्या होता है ना। तो संकेत बोधक उभयान्वी अव्यय, जिससे कोई संकेत हमको मिल जाता है, जिससे कोई ना अल्टीमेटम जिसको बोलते हैं हम, ज्या उभयान्वी अव्यय मुळे एखादी कृती घडण्याचे घडण्यामागचे संकेत गौण वाक्यात दर्शविले जातात व त्यांचा परिणाम प्रधान वाक्यात झालेला दिसतो, त्या उभयान्वी अव्ययांना संकेत बोधक उभयान्वी अव्यय असे म्हणतात। देखिए गौण वाक्यात दर्शविले जातात व त्याचा परिणाम प्रधान वाक्यात दिसतो। देखिए प्रधान वाक्य में उसका परिणाम दिखता है और संकेत कहां से दर्शाया जाते है, गौण वाक्य से दर्शाया जाता है। और उसका परिणाम कहां दिखता है, प्रधान वाक्य में दिखता है। एग्जांपल देख लो, जर अभ्यास केला तर, देखिए जर और तर यहां पर दो चीजें आ रही है। जर अभ्यास केला तर पास होशील, यहां पर संकेत क्या बता रहे हैं, टीचर के संकेत दे रहे कि अगर पढ़ाई करोगे तो पास होंगे। संकेत क्या है, पढ़ाई करोगे तो पास होंगे। उसके बाद तू सराव केला म्हणजे तुला यश मिळेल, क्या बताया जा रहा है यहां पर, म्हणजे उभयान्वी अव्यय, तू सराव केला म्हणजे यश मिळेल, अगर आप सराव करोगे आप प्रैक्टिस करोगे तो कामयाबी हासिल होंगे। इस तरीके से संकेत बताया जा रहा है, संकेत आपको जो है ना दिखाया जा रहा है, आपको सुझाया जा रहा है कि संकेत क्या है, अगर आप पैसा करोगे तो वैसा होगा। इसको हम कहते हैं संकेत बोधक उभयान्वी अव्यय। ये था हमारा उभयान्वी अव्यय का आखिरी प्रकार, जर तर म्हणजे की तर इत्यादि इस तरीके से जुमले जो है ना इसमें आते हैं। तो उभयान्वी अव्यय का ही हमारा आखिरी प्रकार था। इसके बाद हमारा एक प्रकार रह जाता है द पार्ट ऑफ स्पीच इसमें का, इसको हम कहेंगे कंजेक्शन। इसके बाद हमारा आखिरी प्रकार जो बाकी रह जाता है वो है केवल प्रयोगी अव्यय शब्द। उसके बाद शब्दांची जाती, मतलब अपने चार विकारी यानी चार अविकारी से आठ प्रकार पूर्ण होना। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे केवल प्रयोगी अव्यय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो दो टॉपिक होते हैं उभयान्वी अव्यय और शब्द योगी अव्यय, इसको अच्छे से बहुत अच्छे से देख लीजिए। मेरे 27 मिनट और ये कुछ 20-22 मिनट की वीडियो है, ये 45 मिनट में आपके दो नंबर पक्के। कोई भी एग्जाम में आपने मुझे बता देना कि इसमें क्वेश्चन इसका नहीं आया। मराठी व्याकरण अगर आपका है, मराठी सब्जेक्ट आपका है, महाराष्ट्र में तो होते ही मराठी, उर्दू मीडियम छोड़कर अगर वो नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र में तो मराठी कंपलसरी है। तो ये जो जो टॉपिक है उभयान्वी अव्यय शब्द योगी अव्यय के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। नाम किंवा सर्वनाम यांना जोडून येणाऱ्या शब्दांना शब्द योगी अव्यय म्हणतात। नाम और सर्वनाम को मिलकर आता है, एक बात याद रख लो, इतने बस एग्जाम में ये बात याद रखना। उसके बाद उभयान्वी अव्यय की खास बात क्या है कि ये एक तो शब्द को जोड़ता है या नाम को जोड़ता है, सॉरी शब्द को जोड़ता है या जुमलों को जोड़ता है, उसको उभयान्वी अव्यय कहते हैं। शब्दांना कि वो वाक्यांना जोडणाऱ्या शब्दांना उभयान्वी अव्यय असे म्हणतात। तो हमारा आज ये टॉपिक खत्म होता है, अगले टॉपिक में हम केवल प्रयोगी अव्यय देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।